चलिए दोस्तों, हम जानेंगे कैसे इस तरह का हैप्पी न्यू ईयर यानी कि नए साल का पोस्टर बनाएंगे। 2022 का हम बता रहे हैं, तो आप कहीं कभी का भी बना सकते हैं। अगर 1 साल बाद देख रहे हैं तो वो भी, ये बस आप 22 की जगह 23 करना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। पहले ही हम व्हाट्सएप पे वो लिंक शेयर करके रखे हैं, तो उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा इस तरह का, तो इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको ये एक पोस्ट पे लेके चले जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का पोस्ट ओपन होगा, हैप्पी न्यू ईयर वाला। तो क्या करना है, यहाँ पे ये जैसे ही ओपन होगा तो इसमें एक डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो इस डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो हम बता दे रहे हैं, इस डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही स्टार्ट हो जाता है उसके बाद क्या करना है, और पासवर्ड जो है आपको यहाँ नीचे 3 स्टेप में मिल जाएगा आपको। आप पासवर्ड को बिना स्पेस डाले ये डालिएगा, तो बिना स्पेस डाले हुए डालना है। तो उसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट टू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये फाइल मैनेजर पे चली जाएगी। तो हम यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, ये जैसे ही फाइल मैनेजर पे जाएगी तो इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर बना लेना है या फिर कोई भी फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आप डाल दीजिएगा। हम बता दे रहे हैं, नीचे वीडियो में देखते जाइएगा, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो हम डाल के आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पासवर्ड डाल दीजिएगा तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 8:29 में ये हैप्पी न्यू ईयर बैनर इस नाम का सेव हुआ है। तो आपको क्या करना है, पिक्सलैब ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। जैसे ही इसको डाउनलोड करिएगा तो इसका इंटरफेस देख लीजिए, इस तरह का आएगा। तो हम यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, इस तरह का आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये टेक्स्ट को डिलीट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ओपन फाइल यानी कि ओपन PLP फाइल आएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर PLP पे क्लिक करिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको जिस भी फोल्डर में रखे थे तो वहाँ पर इस पर बैक होके वो फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे न्यू ईयर बैनर पे क्लिक करके ओपन ओनली पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे और बैक हो जाएंगे और इसके बाद एडिट कर देंगे। इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो डालना होगा। तो उसके लिए आप अपना फ़ोटो को पहले बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिए, वो आप गूगल से भी कर सकते हैं या फिर आप सर्च करिएगा। तो यहाँ पे हम वो पहले ही बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है वो वीडियो बना चुके हैं। तो इस पर क्लिक करना है यहाँ पे बीच वाले पे और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो हम चलिए इस पर क्लिक कर दे रहे हैं इंपोर्ट पे, और जो बैकग्राउंड रिमूव किए होंगे जहाँ पे होगा उसको ओपन कर लेना है। तो हम ये डाउनलोड में रखे हुए हैं और ये सब पोस्टर हम बना के पहले भी बता चुके हैं। तो आप वीडियो नहीं देखें तो नीचे लिंक पिक्सलैब प्ले लिस्ट का मिल जाएगा, उसमें सब तरह का वीडियो मिल जाएगा। तो इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ पर इसको अपने हिसाब से क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बस एडजस्ट करना है और उसके बाद इसको पोजीशन में इसको टू बैक कर देना है, तो बैक हो जाएगा। ये देख लीजिए पीछे चला गया। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आगे, और यहाँ पे क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है। तो चलिए हम यहाँ पर दे दे रहे हैं MAIN मैनू। उसके बाद यहाँ पे ट्रिक्स, यहाँ पे चैनल का नाम हम डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल के यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिए हैं, इस तरह का आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में डाल देते हैं, हिंदी में है तो हिंदी में ही डाल देते हैं इसको। और आगे हम बताएंगे आगे क्या करना है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एडिट कर दिए हैं और इसको, सॉरी ये कैंसिल हो चुका है, तो हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं, जो लिखे थे उसको फिर से हम यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं। तो इसको बाद ओके पे क्लिक करना है और इसको इंटर कर देना है, इस तरह का जैसे ही कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है, सेव पे जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम पहले दे दीजिए न्यू, सॉरी यहाँ पे हिंदी है तो पहले इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं।
न्यू ईयर, बस इतना ही हम करके ओके कर देते हैं। तो इसके बाद ये एक प्रोजेक्ट हो जाएगा जिससे एडिट करने में बाद में परेशानी ना हो, किसी और का बनाना हो तो। इसके बाद सेव पे फिर से क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे, जेपीजी है तो इसको पीएनजी कर देना, कस्टम है तो इसको अल्ट्रा कर देना, और इसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देना है। इसी तरह आप अपना बैनर खुद से बना सकते हैं अगर और किसी चीज़ में चाहिए तो। और वैसे भी हम अभी ये न्यू ईयर पर 5-6 बैनर और बनाएंगे अलग अलग डिज़ाइन के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी बैनर अच्छा लगे तो आप वो देख सकते हैं। और नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सब तरह का बैनर आपको मिल जाएगा। पिक्सलैब नाम का प्लेलिस्ट होगा तो उस पर क्लिक करके आप सभी तरह का बैनर, जो भी फंक्शन आती है उस तरह का बैनर अपलोड हो जाती है, और उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं अच्छे से।